आपको दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सिद्ध करो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो चलिए दोस्तों बायां पक्ष से दायां पक्ष प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर बायां पक्ष दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा का फ्रेंड्स फार्मूला होता है वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और कोसेक स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वन अपान साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे टाइप से जो भी इक्वेशन आता है उसका एलसीएम लेकर हल किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका एलसीएम आता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला वन होता है। तो यहाँ पर रखेंगे इसका फार्मूला का मान रखेंगे, इसका मान वन होता है तो वन रख दिया, वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद इसको इस तरह से लिखा जा सकता है फ्रेंड्स, वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई वन अपान साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा को पुनः सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है क्योंकि उसका फार्मूला है। तो वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इंटू वन अपान साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, इसका फार्मूला है। तो देखिए ये हमारा दायां पक्ष प्रूव हो गया, दायां पक्ष। ठीक है फ्रेंड्स।